मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को अचानक हरदा जिले के छिपानेर पहुंचे और वहां नवनिर्मित पहुंच मार्ग और पुल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कलेक्टर ऋषि गर्ग से चर्चा की और मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत जन समस्याओं के आवेदनों के निराकरण की जानकारी ली। उन्होंने कलेक्टर गर्ग से हरदा जिले के अन्य सड़क मार्गों से संबंध में पूछताछ की। उन्होंने निर्देश दिए कि जन समस्याओं के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। मुख्यमंत्री ने कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सुभाष पाटिल को निर्देश दिए कि दिसंबर माह के अंत तक पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य हर हाल में पूर्ण करे, अन्यथा सख्त कार्यवाही की जाएगी। हरदा से आलोक गौर की रिपोर्ट। अभी जब आप दोगे तो हर किसान के पास तो सिस्टम है नहीं जी, तो अभी पानी कैसे लेंगे? सर अभी 20 हेक्टेयर पे जो हमारा रहता है वो हमारा OMS से ऑपरेट होता है, तो जितना पानी छोड़ते हैं 20 हेक्टेयर पे हमने 8 ब्रांच रखी है, ढाई ढाई हेक्टेयर पे सर दो। हाँ मैंने दो वो देख लिया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हर एक के पास ड्रिप और इरिगेशन का सिस्टम तो अभी तैयार नहीं है। तो सर प्लास्टिक के पाइप से जो ढाई जोड़ लेंगे उसमें लगा दोगे वहाँ लगा और अपने खेत में डाल लेंगे मैक्सिमम 100 मीटर जाना पड़ेगा। ढाई हेक्टेयर में इतना ही होगा सर, एक दोनों तरफ जाएंगे तो मैक्सिमम 100 किलोमीटर सर उनकी टाइमिंग पाइप लगा के ले सकते हैं। हाँ सर वो तो नॉब बने रहेंगे वहाँ से पाइप लगा सप्लाई आवर्स को बढ़ा देंगे। सप्लाई आवर्स को बढ़ा हाँ वो बढ़ाना पड़ेगा, उसमें पानी ज़्यादा लगेगा सर। जैसे 8 या 5 दिन की 12 बंदी है सर, दो दो ग्रुप को 5-5। आप ऐसा करो कितने गांव अपने सिंचित होने 11 और आशीष है कि नहीं आशीष तो आगे पहले खाते गाँव देवास के कितने होंगे खाते गाँव के? सर कुल 39 गांव वहाँ के हैं और 30 सप्लाई में उधर भी दे देंगे उधर एक एक शुरू उसमें सर दो नंबर शुरू हो पाएगा 15 दिन का गैप आएगा। ठीक है 15 दिन का गैप जी सर। तो आप ऐसा करो जी सर, आप लोगों से मैं कह रहा हूँ किसानों की बचत उन्हें तो क्या हो जाएगा पता ही नहीं, और आपके अधिकारी आके उनको ट्रेंड मतलब एजुकेट करें ऐसे पानी आएगा। अभी कहीं को अंदाज ही नहीं होगा पानी कैसे आएगा। अभी ध्यान से ये भी है कि एक एकड़ जिसको 2-2.5 एकड़ है उसको लगता है मेरे खेत में पानी नहीं आएगा। अभी तो अपने पहले साल सब में अभी जाएगा ये भी नहीं कर सकते तो शुरू हो रहा है। तो हम विभाग की तरफ से एजुकेट करें कि भैया ऐसे पानी आएगा शुरू करने के पहले 5 जनवरी के पहले। तो 12-13 गांव की बैठक बुला लें और गांव में चौपाल लगा लें ना। हाँ गांव में ही गाँव में ही चौपाल लगा के जो संबंधित किसान जिनकी सिंचाई होगी उनको हम ढंग से एजुकेट करते हैं। ये भी हो सकता है, एक ये भी हो सकता है, बड़े बड़े वीडियो भी बना लेंगे पंचायत और दिखाने के लिए नौजवान से कैसे पंचायत में दिखाएं ऐसे पानी आएगा ऐसे पानी आएगा पता तो रहे नहीं आएगा। और सर अगले 2 साल तक इनको प्लस 3 साल डिफेक्ट लगातार किसानों से कंट्रैक्टर की जिम्मेदारी रहेगी विभाग का इंश्योर करना। तो कॉन्ट्रैक्टर भी रहे क्या करना चाहिए, एक जगह सबको बुलाए अलग अलग गाँव में मतलब पहले एक साथ प्रमुख किसानों को एक साथ एकत्रित करके ग्रीट करके उसी दिन प्लान कर देंगे कि इसे गाँव में जाना है तो वहाँ पूरे गाँव के लोगों को एक जगह बढ़िया रहे अलग अलग जगह से पहले एक बार करा देंगे पहले गोपाल जाएंगे अब आप बैठ के हम लोग परफेक्ट संभव नहीं अलग अलग ये तो मुझे कैसे एश्योर करेंगे सर पंप की जो क्वालिटी होती है हमारे यहाँ से भी जाते हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लोग सिविल के भी। मिश्रा जी इधर आइए फैक्ट्री कैसे एश्योर करेंगे बताइए आप। और आप फैक्ट्री जाते हैं जो जिस समय वहाँ लेने पहले उसकी टेस्टिंग होती है वहाँ फैक्ट्री पे उसके बाद में सर्टिफिकेशन के बाद फिर उठाते हैं। सर जितने भी जहाँ से भी पंप लेते हैं पहले विभाग के अधिकारी और इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी अपने PWD के ENF इन पैनल करते हैं कि ये पंप जो है देश में अच्छे बनाते हैं। फिर कंट्रैक्टर ये सपोर्ट करता है कि मैं पंप से कहाँ से लूँगा, फिर जब पंप का ऑर्डर देता है तो साइट पे जाकर उसके डिस्चार्ज उसकी जो है वहाँ पे वेरिफिकेशन करते हैं, फिर वो पंप आकर के सर इंस्टॉल हो पाते हैं। वेरिफिकेशन कौन करता है? वेरिफिकेशन सर उनका इलेक्ट्रिकल उन्हें परफेक्ट पाया सब चीज़ उसके बाद ही लग सकता है उसके बाद वहाँ शिफ्ट होता है। अब ये कब तक कंप्लीट करेंगे सर? इन्होंने 21 तारीख को कमीशनिंग करने का रखा है टारगेट सर और एक हफ्ते इसको टेस्टिंग कहाँ है सर कुछ मालूम जी से गणेश हम लोग इसको पूरा इलेक्शन पर कर देगा और एक हफ्ता हमारा कुछ चाहिए करके इस मंजिल में पूरा काम 31 तक हो जाए। इसके बाद अगर हम पानी देना चाहें इस साल तो कब तक दे सकते हैं सर? वो स्टार्ट हो जाएगा तो कंटिन्यू रहे उसकी डेट तय कर सकते हैं पानी देने खरीद फील्ड में क्या स्थिति है
फील्ड में तो पाइपलाइन पूरी बिछी हुई है जी सर, पाइप बिछी हुई है। 300 हेक्टेयर का कुछ विवाद है सर, 5071 हेक्टेयर में हो चुका। विवाद क्या है सर, किसान लोग खोदने दो ब्रांचेस है सर, उसमें कुछ लोग नहीं खोद, तो फिर अपने आप खुदवाएंगे लोग हमारे यहाँ। हाँ, जैसे ही पानी जाएगा तो खुदवा लेंगे। तो ये तो अपन चालू करें है ना, 5000 हेक्टेयर का इसको हम चालू करें। उसकी डेट तय करो कब करना है सर। आप 25 से 21 के बीच में, 25 को सर आ रहे हैं, दो स्कीम और है, ऐसा कि 3-4 दिन का गैप ले लो, ठीक है। टेस्टिंग होती है, सफल हुआ नहीं हुआ, जो चीज़ें 5 के आसपास रखें सर। सर बिल्कुल सर, हमने 2-3 दिन का गैप, क्योंकि अगर हमने अभी कर लिया तो इस फसल में गेहूं में 1-2 पानी तो दे देंगे पूरा सर। इसके बाद उसके बाद पूरा हो गई, इसके बाद भाई पले बार उगाई तो होगी। हाँ, 2 पानी दे सकते, 2 पानी मिल जाएगा। इस साल अपना टारगेट ये रहेगा 2 पानी देना, बिल्कुल देंगे है ना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।